और इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से आ रही है कोविड संक्रमितों की मौतों के जो आंकड़े थे, मौत के आंकड़ों की जांच के बाद अचानक इसमें आपको बता दें 3,951 मौत और जुड़ गई है। जी हां, संक्रमित जो कोविड से मरे हैं उनकी मौत के आंकड़ों में अब इजाफा हुआ है। 7 जून को रिपोर्ट दी गई कि बिहार में कोरोना से कुल 5,424 लोगों की जान गई, पर ऑडिट के बाद इसे बढ़ाकर 9,375 कर दिया गया। यहाँ आपको साफ कर दें कि सबसे ज्यादा मौत राजधानी पटना में हुई है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या जो है, जो आंकड़े थे जो पहले दिए गए थे, उसमें अब ऑडिट के बाद इजाफा हुआ है और ये कोई मामूली आंकड़े नहीं है। अब आपको बता दें कि पहले कहा गया था कि 5,424 लोगों की जान गई है कोविड की वजह से, हालांकि जब ऑडिट हुआ उसके बाद आंकड़े साफ तौर पर नए आंकड़े उभर कर सामने आए, जो संख्या अब 9,000 कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना में सबसे अधिक मौत हुई है और हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा अपडेट लेकर। आदित्य, एक ऑडिट के बाद जो मौत का आंकड़ा है कोरोना की वजह से बिहार में, उस आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है, तो इससे पहले यानी जो कोविड के कारण जो मौत हुई उनकी संख्या निश्चित तौर पर कम दिखाई गई। जी बिल्कुल, जो प्राइमरी फेसिस जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके हिसाब हुआ ऐसा ही है। और इंटरेस्टिंगली देखने वाली बात यह है कि जब विधानसभा का सेशन चल रहा था तब भी विपक्ष और पक्ष के बीच में इस बात को लेके, कोविड के डेथ टॉल को लेके काफी तीखी नोकझोंक हुई थी। करते कराते 18 मई को एक कमेटी बनाई गई थी जिसके बाद ये फाइंडिंग सामने आ पाई है। जी आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार मौत के आंकड़ों पर भी सवाल उठाया जाता रहा और ऑडिट के बाद एक नया आंकड़ा कोरोना की वजह से बिहार में कितने लोगों की मौत हुई, डेथ हुई, इसका एक नया आंकड़ा उभर कर सामने आया है।